हेलो गाइस, पफ क्या कर रहा है? क्यों अभी नहीं बोलना है क्या? अभी नहीं बोलना है, लास्ट में बोलना है। कितनी बार बोलूं मैं तेरे को? ए, लास्ट में नहीं बोलूंगा, मैं स्टार्टिंग में बोलूंगा। हाँ चल चल, अभी फ्रेम से बाहर निकल। चल निकल 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 निकल। ए, छोड़ मेरे को, मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं वापिस आएगा, देख लेना। आही आसू मोई केला। हम सभी ने स्कूल डेज में काफी सारे हरकतें की है, जिसमें से एक था पेन फाइट। अब ये मत पूछना कि पेन फाइट क्या होता है, मुझे पता है तुम सभी ने खेला है, एक्सेप्ट फॉर गर्ल्स। वो लोग उल्टा कंप्लेन लगा देते थे। और ये बच्चा लोग, सलाम नहीं आता तुम लोगों को? एक पेन के लिए फाइट करता है भिखारी शॉप। ये लो हमारा पेन लो। और मेरी तो बहुत ज्यादा फटती है भगवान से। इसीलिए जब भी पेन नीचे गिरती है मैं तो सीधा किसना 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 किसना। अब शुरू करते हैं असली कहानी, कैसे मैं बना पूरी क्लास का सबसे ताकतवर पेन फाइट योद्धा। तो फिफ्थ स्टैंडर्ड की बात है, जब मैं केवी में पढ़ता था तब ये चीज नया नया डिस्कवर हुआ था हमारे लिए। टिफिन टाइम पे हर कोई अपने बेंचमेट के साथ पेन फाइट में ही बिजी रहता था, इंक्लूडिंग मी। भाई साहब कितने मजे आते थे यार। रूल्स एकदम सिंपल थे, एक मैच 10 पॉइंट्स का होता था, यानी कि ओपोनेंट बंदे के पेन को 10 बार गिराना होता है बाउंड्री के बाहर। अब बाउंड्री था पूरा डेस्क, सिंपल एज दैट। और हम सभी ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम लोग क्लास के बीच में कभी भी नहीं खेलेंगे। इट वॉज लाइक हमारे उसूलों के खिलाफ होती हो वल्ले। बट कुछ हरामी बच्चे थे जो क्लास के बीच में भी खेलते थे, तो भड़वो इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। समझ रहे हो ना तुम लोग? जी सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। समझे तुम लोग? जी सर समझ गए। उस हिसाब से मार भी खाई है तगड़ी वाली। आज के बाद नहीं खेलेंगे। अब ज्यादातर हम सभी के पास 10 रुपए वाले पेन होते थे, जो कि एक फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए काफी है, और हम उसी पेन से फाइट करते थे। बट एक लड़का था जिसका नाम मैं ले ही लेता हूँ, क्या ही उखाड़ लेगा मेरा। साले चंपक, साले चंपक। अब ये लौंडा बहुत हरामी था, नहीं नहीं बहुत ज्यादा हरामी था। इसके कारनामे सुनाने बैठू ना तो पूरी एक वीडियो बन जाएगी इस पे, बट हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। वैसे तो है फालतू टाइम, लेकिन खैर, ये बंदा पेन फाइट पे बैटिंग करता था। अगर तुम इससे हार गए तो तुम्हारे 10 रुपए गए समझो, और उस टाइम 10 रुपए हमारे लिए बहुत ज्यादा था। और वो हम सबको इजीली हरा देता था, क्योंकि उसके पास 20 रुपए वाली राइटोमीटर होती थी, जो कि बहुत मोटी और भारी पेन है कंपेयर टू हमारे 10 रुपए वाले पेन। और इसकी रिफिल इतनी मोटी है, साला भारी कैसे नहीं होता। चीटर साला। अब बस मुझे भी राइटोमीटर चाहिए था, साले को गंदी तरह से हराऊंगा। तो बस मैं घर गया और मम्मी को सीधा मुंह पे बोला, मम्मी ए छोड़ छोड़ मेरा पैर। मम्मी दिला दो ना। ए छोड़ बोला ना, मैक्सी फट जाएगी मेरी। दिला दो ना मम्मी। कौन सी महाभारत लिखेगा 20 रुपए के पेन से? मम्मी छोड़ बोला ना। ए छोड़। बाजा मैदान में चंपक। First clap that ass, make it bounce, make it dance. When I hit the club, throw the bills, got the cash. Ay, she just wanna put the drinks on me. Sure you got a girl who just keep on ignoring. Shit, I got carried away, blowing the smoke, got me going like triple for days, and I got the bad attitude. साला बाप का पार्कर पेन चुरा के लाया वो। वही पार्कर पेन जिसकी नीब मेटल की और बॉडी स्टील की होती है, और ऊपर से इतनी भारी और मोटी होती है ना वो। पता नहीं लोग बनाते क्यों इतने भारी पेन। एक नॉर्मल पेन की वेट 4 से 5 ग्राम की होती है, लेकिन एक पार्कर पेन की वेट 30 ग्राम के आसपास होती है। सुनने में ज्यादा नहीं है, लेकिन जब एक पैराग्राफ लिखोगे ना उससे उंगलियों का कुरकुरे बन जाना है। ओके बैक टू द फाइट। इट्स ओके आरजी, यू कैन डू दिस, कूल डाउन। साले चंपक, छटांगनाई। Keep on ignoring shit.
पेन तो जगह से हिला भी नहीं। अब मेरी बारी। खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।